आज उनका जमीन हड़प लिया जा रहा है उनके चाचा उनके पड़ोसियों द्वारा या भाई द्वारा। उनके माता पिता को पीटा जा रहा है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? जय हिंद एवरीवन। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और फिर बात करते हैं। और मैं सभी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और फिर मैं बात करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे कुछ सवाल है देश की जनता से और देश की गवर्नमेंट से कि आज जो फौजी देश की सरहद पर खड़े होकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज उनका जमीन हड़प लिया जा रहा है उनके चाचा उनके पड़ोसियों द्वारा या भाई द्वारा। उनके माता पिता को पीटा जा रहा है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वो फौजी घर पे हो, अगर उस झगड़े में फंस गया तो उस पर FIR करवा दिया जा रहा है, उसे फंसा दिया जा रहा है। यूनिट जाओ तो डिपार्टमेंट अलग से उस पर इंक्वायरी करती है। इनका सपोर्ट कौन करेगा? ज्यादा मुझे पता नहीं है, बस जय हिंद जय भारत। तो वीडियो देख लिया आप लोगों ने, तो उन फौजी भाई का सवाल यही है कि अगर फौजी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना फर्ज निभाता है, अपना ड्यूटी करता है, लेकिन उनके परिवार वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल जनता से है और ये सवाल हमारी सरकार से है। फौजी भाई ये भी कहना चाहते हैं, क्यों उनकी जमीन को दखल कर दिया जाता है, क्यों उनके घर वाले को परेशान कर दिया जाता है, क्यों उनकी माता पिता को पीटा जाता है? उनकी अगर फौजी भाई इस मामले में आते हैं तो उनको क्यों गलत केस में फंसाया दिया जाता है? हर बार उन फौजी भाइयों के साथ गलत क्यों कार्रवाई होता है? उनको इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? उन फौजी भाई का सवाल यही है और यह सवाल जनता से है और हमारी सरकार से है कि अगर फौजी अगर देश की सुरक्षा करता है तो उनके परिवार वालों का सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब मैं उन हरामखोरों को कुछ कहना चाहता हूँ जो लोग ऐसा काम करते हैं। अबे हराम करो, तुम जो जिसकी जमीन को दखल करना चाहते हो ना, जिसको तुम गलत केस में फंसाना चाहते हो, जिसको तुम गलत साबित करना चाहते हो ना, हराम करो, उनकी वजह से आज तुम इस देश में जिंदा हो, सुरक्षित हो। तुम लोग वही हराम करो हो जो जिस ताली में खाते हो उस ताली को छेद करते हो। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे फौजी भाई की आवाज जो है जहाँ तक पहुँचना चाहिए ये आवाज वहाँ तक पहुँचा दीजिए। और मुझे इस वीडियो का रिप्लाई चाहिए जरूर, ये आप लोगों के हाथ में है। सोशल मीडिया में तो बहुत तरीके का वीडियो वायरल होता है, लेकिन इस वीडियो को आप लोग शेयर करने का जिम्मेदारी आप लोगों को है। अच्छे वीडियो को भी शेयर कर दिया करो जो काम का है। कोशिश करूंगा उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए, उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, तो मैं हर चीज उनसे बात करूंगा। दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो आप लोगों ने देखा होगा कि एक फौजी भाई को कैसे परेशान कर दिया था और कैसे उनकी जमीन को दखल करना चाहते थे। आप लोगों ने शायद देखा होगा फौजी भाई कैसे रो रहे थे। यार दया नहीं आता कि आप लोगों को, आप लोगों की वजह से उधर दिन रात ड्यूटी करते, दिन रात सरहद पर अपना फर्ज निभाता है। आप लोग सेफ्टी में रहो, पूरा हिंदुस्तान सेफ में रहे, इसकी वजह से वो लोग उधर दिन रात रहते हैं। तो यार आप लोगों को दुख भी नहीं लगता यार फौजी भाई रो रहे थे, यार उनकी जमीन को दखल करना चाहते, उनके परिवार वालों के साथ गलत तरीका से मतलब बात कर रहे, उनको परेशान कर दिया जा रहा है। यार आप लोगों को दुख भी नहीं लगता कि एक फौजी रो रहा है? यार शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो यार, इतना भी नीचे मत गिरो यार, लालची में मत गिरो इतना। आज उनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो और सपोर्ट करो उन फौजी भाइयों को। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बात को यही तक खत्म करता था, कुछ नहीं बोलूंगा, बात को यही तक खत्म करता हूँ और अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोगों के हाथ में है, आप लोग क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो आप लोग करिए। और मैं यही कहूंगा हर बार, इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो जहां तक पहुंचना चाहिए उस वीडियो को आप लोग पहुंचा दीजिए। आप लोगों के हाथ में है और अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।